ये मशीन के धागे टूट गए हैं, फ्रेम की डोरी टूट गई थी इसके लिए धागे टूट गए हैं। अब ये धागे हमारे, इसको हमें बल मार रहे हैं, हम इनको सीधा भी करना है। सीधा कैसे करना है देखिए, उंगली से इसको नीचे को करना है बीम पर और ये धागे हमारे सीधे हो जाएंगे। ये देखिए एक एक करके ये सारे धागे हमें, ये 150 धागे हैं, एक करके इसको हमें सीधा करना है। ये देखिए इस तरीके से ये धागे हमारे सीधे करने हैं, और सीधे करने के लिए ये देखिए इतने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखिए पूरी मशीन पे इधर के साइड के धागे 100 टन सब बन चुका है। अब हमें एक एक करके इस तरीके से ही सारे धागे को निकालना है, उंगली से इसको नीचे करना पड़ेगा और नीचे करके सीधे आ जाएंगे। एक एक धागा निकालना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी को मशीन चलाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। और किसी की मशीन में कोई प्रॉब्लम है वो हमसे इनबॉक्स में बात कर सकता है। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो कर सकते हैं। इनबॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। और शाफ्ट कैसे डालें मशीन में, और मशीन को ऑपरेट कैसे करें, और बहुत सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ जाके हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों को। अब हम आपको दिखाते हैं ये धागे हमारे, एक एक दो दो धागे जगह जगह से टूटे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं ये धागे कैसे भरें। ये देखिए एक धागा हमारा यहाँ से एक धागा टूटा हुआ है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा एक धागा, ये बैक खाली है हमारा, राज खाली है, एक धागा हमारा यहाँ से टूटा हुआ है। और कभी कोई भी फिर भी चेक कर लेना चाहिए कि हमारी चाल कैसी है, यानी फ्रेम की चाल और धागे किस तरीके से भरे हुए हैं, कि हमारे पूरे ताना तो नहीं टूट सकता, यानी पूरे धागे नहीं टूट सकते, तो बराबर वाले धागे चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे फ्रेम हमने बराबर कर लिए, 2 फ्रेम ये सैलवेज के हैं और 4 फ्रेम में हमारी खादी बन रही है। ये 2 फ्रेम, ये 4 फ्रेम हैं खादी के। अब हम आपको इसमें दिखाते हैं कैसे इसकी चाल को हमें करना है, देखना है। ये देखिए पहला फ्रेम है, ये दूसरे फ्रेम है, और ये तीसरा फ्रेम है, और ये चौथा फ्रेम है। ये 4 फ्रेम की हमारी भर्ती हुई भी है। अब हमें आपको दिखाना है ये 2 आगे के 1 और 2, यानी पहला और दूसरा जो धागा है, ये दोनों धागे मिलकर आगे कंघी में एक ही घर में भरे जाएंगे। इसका सारी का यही प्रोसेस है। और जो तीसरा और चौथा होगा वो भी एक ही घर में भरा जाएगा। और हमें कोई भी डिज़ाइन आए, कोई भी मशीन पर कोई भी डिज़ाइन आए तो हमें बराबर में देखकर भर लेना चाहिए, क्योंकि एक से धागे, अगर 10 धागे 20 धागे 100 धागे भी टूटते हैं, पूरे धागे नहीं टूटते, देखिए हम दूसरी जगह चेक करके आपको बता रहे हैं। ऐसे ही आपको कोई भी डिज़ाइन आए उसको ऐसे ही चेक करना है। एक नंबर का हो गया ये, एक फ्रेम का, ये दूसरे फ्रेम, ये तीसरा फ्रेम, और ये चौथा फ्रेम है। हम आपको ऊपर से बताएंगे, ये पहला फ्रेम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, 4 फ्रेम है, ये 4 फ्रेम की भर्ती हुई है, और ऐसे ही सारे धागे भरने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।